ये आ गया स्टेशन। यहाँ से थोड़ी और आगे जाना है मुझे, मेरे कजिन की शादी है। तो वेलकम बैक टू माय दुनिया दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हो गई है और मैं जा रहा हूँ अपना थोड़ा लुक चेंज करवाने के लिए। थोड़ा सा हेयर स्टाइल में चेंज करवाना है, थोड़ा डिटेन या क्लीन अप करवाना है, क्योंकि आज रात में मैं 1 बजे ट्रेन से निकल रहा हूँ कजिन के शादी के लिए। तो आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहो इस व्लॉग में, मज़ा आएगा। फिलहाल हम अपनी साइकिल अपनी हायाबूसा से बाहर निकल चुके हैं और डायरेक्टली वहीं पर जाके बात करते हैं। तो वही ऐसा है कि दिन में मैं ज़्यादा व्लॉगिंग कर ही नहीं पाया, अभी मैं आ गया हूँ नीचे। इस वक्त रात के 12 बजने को 5 मिनट कम है, 11:55 हो रहे हैं और मेरी ओला आने ही वाली है ताकि मैं उससे स्टेशन पहुंच पाऊं। दरअसल ये ओला वाले ने थोड़ा लेट कर दिया, दिखा 2 मिनट का ही रहा था लेकिन आने में बहुत लेट कर रहा है। खैर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ से स्टेशन पहुँचने में। मैं स्टेशन पहुँच के ट्रेन वेन टिकट वेट सब कन्फर्म हो गई है, अभी स्टेशन पहुँच के बात करता हूँ मैं। देखो बाकी हमें लुक वुक दिखा नहीं पाया, बहुत भागा दौड़ी हो गई थी दिन में, इसीलिए मैं सोचा कि शाम को ही आप लोगों को दिखा दूंगा। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कराया, थोड़े बाल छोटे करवा लिया थोड़ा डिसेंट सा और थोड़ा बियर्ड को लुक दे दिया, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं। खैर अभी मैं एक बार चेक करता हूँ उसको, फाइनल बार फ़ोन करता हूँ भाई आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, नहीं तो ऐसे में तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी ऐसे ही खड़े खड़े। तो अभी मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ, पहुँचे हुए एक्चुअली मुझे 1 घंटे हो चुके हैं, 12:30 बजे पहुँच गया था, 1:30 बज रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि मेरी ट्रेन 1 घंटे लेट है। मैं अगर घर से ही देख लिया होता तो मैं अब निकला होता, नहीं अब मैं पहुँचा होता यार। सचमुच में 2:15 बजे की ट्रेन कर दिए हैं और अगर लेट हो गए ना तो मेरी हालत टाइट हो जानी है। अब मैं शादी वाला जो एक फंक्शन है संगीत का, उसमें तो मैं काफ़ी लेट पहुँचूँगा, एकदम शायद एंड एंड टाइम में पहुँचूँगा, लेकिन बैंड बजने वाली है, बैठे बैठे बहुत थक गया हूँ। 12:30 बजे पहुँच गया था, जैसे मैंने बताया 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ यहीं पे। यहाँ पे वेटिंग रूम का भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, अभी प्यास भी लगी हुई है लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा है, क्या कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर और बैठता हूँ, फिर जब यहाँ पर लग जाएगा ना इंडिकेटर में फिर उठ के जाऊँगा, पानी खरीदूँगा और फिर प्रॉपरली उस जगह पर बैठूँगा जहाँ पर ट्रेन का डब्बा आने वाला है मेरा। बैठे बैठे मच्छर मार रहा हूँ, ट्रेन पे ट्रेन आ रही है लेकिन मेरी ट्रेन को बहुत लेट हो गया है। अभी एक और ट्रेन आ गई देखो, लेकिन मेरी ट्रेन का पता नहीं चल रहा है, आएगी बस थोड़ी देर और है। मेरी गाड़ी का नंबर दिखा चुका है, अब जहाँ पे लगा हुआ है डब्बा मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ, आई की तरफ। पहले पानी की बॉटल ले लेता हूँ मैं। जब एक्चुअल ठंड के टाइम में, मतलब दिवाली के टाइम में अपने घर गया था इसी स्टेशन से, तो बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे अभी भी याद है, और इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीना पड़ा था स्टेशन से लेके। लेकिन आज जो कि गर्मी का टाइम आ चुका है, ठंड लग रही है, मतलब लिटरली उसी स्टेशन से मैं जा रहा हूँ और ठंड लग रही है, कमाल है, दुनिया उल्टी होती जा रही है। फिलहाल अभी मैं अपने डब्बे के पास तक पहुँच गया हूँ और मैंने अभी अपनी एक फेवरेट चीज़ लिया, दिखाऊँ, और वो है लिटिल हार्ट्स। किस किस का फेवरेट है कमेंट सेक्शन में बताना। ट्रेन आने ही वाली है, मैं अंदर चढ़ जाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ बैठ के। तो भाई मैं ट्रेन में चढ़ चुका हूँ और मुझे मेरी सीट मिल गई है और अंदर का माहौल बहुत सोने सोने वाला है, इसलिए मैंने अंदर कुछ ब्लॉगिंग नहीं किया। अभी मैं भी जाता हूँ सो जाता हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है 2:45 का, अब सुबह उठ के डायरेक्टली बात करता हूँ। तो सुबह उठते से ही सबसे पहले मैंने किया ब्रश, देखो ट्रेन में ब्रश करने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। 12 बजने ही वाले हैं, 12 बजने को 10 मिनट कम है और मैं खा रहा हूँ यहाँ पे समोसा। अचानक से भूख लग गई थी, क्या खाऊं सोच रहा था तो उतने में ही ये समोसे वाला दिख गया, क्या करूं कोई कुछ ऑप्शन आ ही नहीं रहा था, सोचा कि समोसा ही खा लेता हूं बेस्ट है। क्रंची तो अच्छा खासा था लेकिन उसमें आलू कम भरे हुए थे इसलिए टेस्ट ओके ओके। तो आई हुई है चाय का मज़ा ले रहा हूँ, ठीक है कुछ अलग सा फ्लेवर आ रहा है। ट्रेन की बात करें तो अभी लगभग 1 बज रहे हैं और अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा लेट है, पता नहीं मैं कितने बजे पहुंचूंगा, कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी रात भर से ठंडी लगी थी तो ये जैकेट पहन के रखा था लेकिन अब जैकेट उतार रहा हूँ, अब थोड़ा गर्मी लगना शुरू हुई क्योंकि आफ्टरनून हो गया ना। शाम को मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वहाँ भी ठंड लगेगी, सुनने में आया कि वहाँ अच्छी खासी ठंड है इसलिए मैंने गर्म कपड़े रखा हूँ। चाय का मज़ा लेते हैं, अपना काम भी करते जा रहा हूँ मैं दूसरे मोबाइल में।
जिस स्टेशन में मुझे उतरना है उससे जस्ट पहले वाले स्टेशन में भी ट्रेन रुकी हुई थी और यहाँ से निकल पड़ी है, और मुश्किल से एक घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। नींद वींद सारी हो गई है, और वहाँ से लकी का भी फ़ोन आ गया कि जल्दी आ जाओ, पापा का भी फ़ोन आया कितनी देर में आ रहा, क्योंकि मैं लेट ही हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। ये रहा वो आखिरी वाला स्टेशन जो मेरे स्टेशन से पहले आया था। खाना वाना कुछ हुआ नहीं है और मन भी नहीं है, नाश्ता कर लिया था, वो समोसा चाय हो गया ना, फिर मन ही नहीं कर रहा है। देखो फिर थोड़ी देर बाद ये चने बेचने वाला आ गया। यार सचमुच में ट्रेन में ये वाले चने खाने का मजा ही अलग रहता है, मस्त। ना ही बॉइल्ड रहते हैं ये, ना ही रोस्टेड रहते हैं, ये रहते हैं रात भर भिगोए हुए वाले चने। उसका बढ़िया चाट बना के देते हैं, देखो कितनी सारी चीजें मिक्स है और इतना मस्त सा लग रहा है कि देख के ही मुंह में पानी आ जाए। अपना बैग वैग लेके आके यहीं पे खड़े हो गया हूँ। अभी तक एकदम स्लो चलने लगी थी ट्रेन, ऐसा लगा कि मेरा स्टेशन आने ही वाला है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, ज़्यादा देर तक रुकेगी नहीं। मैं आके खड़ा हो गया उधर इतनी अंदर से इधर बाहर, और स्टेशन है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी क्या करूँ, खड़े रहता हूँ थोड़ी देर, और अभी चेक कर रहा हूँ तो थोड़ा पीछे का ही दिखा रहा है, 20 मिनट के आसपास का समय दिखा रहा है, लेकिन 20 मिनट क्या करूँगा खड़े खड़े। ये देखो बाहर का नज़ारा, अभी तो दूर दूर तक कोई सिटी ऐसा कोई बिल्डिंग कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, टाइम लगेगा। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में इतना बड़ा गैप है कि पूछो मत। वैसे आ गया है मेरा स्टेशन, यहीं पर मुझे उतरना है। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ, हाँ अब ठीक हुआ। वही तो मैं सोचूं कि इतना गैप कैसे हो सकता है। खैर यहाँ पे एक अच्छी बात ये हो गई कि ज़्यादा गर्मी नहीं है, हल्की ठंडक भी है, तो टेंशन नहीं है अभी और आगे की ट्रैवलिंग करने में। ये आ गया स्टेशन यहीं पर, यहाँ से थोड़ी और आगे जाना है मुझे, मेरे कज़िन की शादी है। बहुत सारे लोग यहाँ से होंगे, जो है कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी थोड़ी आगे ही बोलते हैं कि बस स्टॉप मिलेगा, बस स्टैंड मिलेगा, वहाँ से मुझे बस पकड़ना है। ये बस आ गई है और इस बस में बैठना है। यहाँ पे अभी मैं अपना बैग रख रहा हूँ, बैग रखने की जगह बना रहे हैं, और अंदर सीट समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बोल रहे हैं कि बन जाएगी बोल रहे हैं। नीचे तो वो आदमी ने कह दिया था कि ऊपर सीट मिल जाएगी, मुझे लगा था कंडक्टर होगा, लेकिन बैग रखने के बाद ना जाने वो कहाँ उड़नचू हो गया, उसके बाद कहीं दिखाई ही नहीं दिया। किसी और से सीट के लिए क्या बोलूं, अब सभी लोग तो ट्रैवल कर रहे हैं यार, सभी ने पैसे दिए हैं, पूरी बस भरी हुई थी, अब मैं अपने लिए स्पेशली बोलूं तो ऐसा अजीब लगेगा, इसलिए मैं भी खड़े खड़े जाने का मजा ले लिया। और बस से पूरे डेढ़ घंटे का सफर तय करके मैं पहुंच गया अपने कजिन के घर पे। देखो यहाँ पे हल्दी हो चुकी थी और फोटो शूट चल रहा था, लेकिन मैं अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ था, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले ब्लॉग में आपको संगीत देखने को मिलेगा जिसमें हमने बहुत धमाल किए, संगीत के बाद हम लोगों की मस्ती दिखाई देगी, और फिर आखिरकार बारात, और फिर मेरी रिटर्न जर्नी भी, बहुत मजा आने वाला है, जुड़े रहना।